अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मैगी पास्ता। मैगी पास्ता बनाने के लिए मैंने 2 कप पास्ता लिया है। ये कप से हमने 2 कप पास्ता लिया है। 2 अंडे, 4-5 वाली जो मैगी आती ना, वो 4 हमने पैकेट लिए है। और हम इसमें वेजिटेबल डालकर बनाएंगे। 1 छोटी प्याज, 2 छोटी गाजर, थोड़ी सी गोभी हमने इस तरह इसको काट कर लिया है, और 1 शिमला मिर्ची, 2 अंडे, नमक हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और मिर्ची पाउडर भी मैंने लिया है, वो भी हम हमारे टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अभी हम पहले पास्ते को उबाल कर लेंगे। पास्ता उबालने के लिए मैंने पहले से ही गैस पे पानी गर्म को रख दिया था। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, अभी हम इसमें पास्ता डालेंगे। पहले हम पास्ते को अच्छा उबाल कर लेंगे। जब तक अच्छी तरह उबलने जाता है तब तक हम इसको उबाल कर लेंगे। चलिए, ये अच्छी तरह बॉईल हो गया है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको छन्नी में इस तरह से छान कर लेंगे। इसी बर्तन में हम 2 कप पानी डालेंगे। अभी हम मैगी को उबाल कर लेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप पानी लिया है। पानी को हम अच्छी तरह गर्म होने देंगे, फिर इसमें मैगी डाल देंगे। ये अच्छा गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर मैगी डालेंगे। मैगी को सिर्फ हम पानी में उबाल कर लेंगे। इसमें हम मैगी मसाला नहीं डालेंगे, मैगी मसाला हम बाद में डालेंगे। इसमें पूरा पानी सूखने तक हम मैगी को पक्का कर लेंगे। जब तक हम अंडे इसमें फेंट के रख देंगे। अंडे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अंडे को हम फेंट कर लेंगे। मैगी हमारी अच्छी तरह उबल गई है, अब हम इसको हटा देंगे। गैस पे हमने कढ़ाई गरम को रख दी है। अभी हम पहले इसमें अंडा तल कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को हम पहले गरम होने देंगे, फिर अंडा फ्राई। तेल गरम हो गया, अभी हम अंडा तल लेंगे। पहले कनी कनी करना है हमको अंडे को। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर घर में सब्जी बनी है तो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं और मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैगी बना दो। अगर हम मैगी के अंदर वेजिटेबल डालकर बनाए तो बच्चे आराम से खा लेंगे। तो देखो, इसमें वेजीज भी है, गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर। तो ऐसी मैगी बना के देंगे तो बच्चे नहीं तो कभी नहीं बोलेंगे, झटपट खा लेंगे। चलो, अब हम अंडे को पास्ते के ऊपर ही निकाल लेंगे। पहले डालेंगे हम इसमें प्याज। प्याज को पहले हम थोड़ा सा होने देंगे, फिर इसमें गोभी डालेंगे। दो छोटे चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। इसी के अंदर हम गोभी भी डाल देंगे और गाजर भी। कुछ सॉफ्ट होने तक हम थोड़ा सा पका कर लेंगे। हमारी वेजीज भी थोड़ी गल जाएंगी। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे।
हम इसमें शिमला मिर्च भी डालेंगे। और ये हमारी वेजिटेबल गल जाएंगी ना जब हम इसके अंदर पास्ता और मैगी डालेंगे। एक दो मिनट तक हम इसको और पकने देंगे, ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मैगी मसाले के जो 4 पैकेट है हमारे, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसमें पास्ता भी डाल देंगे। कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने इसके अंदर 1 चम्मच। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ₹20 की मैगी में हमारा मैगी पास्ता देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है और कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बन के तैयार हो गया। अंडा और वेजिटेबल और पास्ता डालने से ये कितनी बढ़ गई है देखिए। मैगी पास्ता हमारा एकदम बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। मेरे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मैगी खाने के लिए। मैगी पास्ता हमारा बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। बाय, अल्लाह हाफिज़।